पहाड़ों की रानी शिमला में घूमते हुए रिज मैदान पर कई ऐसी चीजें हैं जो आने वाले पर्यटकों की यादों में बस जाती है। यहाँ जब भी आए आउटडोर फोटोग्राफर्स आपको मिलते हैं जो आपकी शिमला की सुनहरी यादों को कैमरा में कैद करते हैं। आइए बात करते हैं इन्हीं आउटडोर फोटोग्राफर से। मेरा नाम बाबूराम बालाजी है, मैं 84 से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा प्रोफेशनल फोटोग्राफरी है और इसी से हमारा गुजारा होता है। हमारे पास कोई और काम नहीं है, सिर्फ यही हमारा फोटोग्राफी का ही काम है। हमारे पास हर तरह का टूरिस्ट आता है, स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट में ग्रुप में कॉलेज और स्कूलों के ग्रुप आते हैं हमारे पास। कई बार तो वो ग्रुप अलग में खिंचवाना चाहता है, ग्रुपिंग में। कई बार जो उसमें हमारा जैसे कल्चर है हिमाचल का, तो हिमाचल की उसमें कॉस्ट्यूम में खिंचवाना चाहते हैं। तो हमारे पास हर तरह का टूरिस्ट आता है, जैसे कोलकाता का है, बेंगलोर का है, बॉम्बे का है, तमिलनाडु का है, अपना पंजाब का है और अपना असम का है, तो अपना क्या कहते हैं गुजराती टूरिस्ट है। बहुत अच्छा टूरिस्ट आता है, वो इस चीज़ को पसंद करता है कि हम हिमाचल कॉस्ट्यूम में, क्योंकि हिमाचल का टूरिस्ट है, हिमाचल का जो लोग है वो कम पसंद करता है इस चीज़ को, लेकिन बाहर का जो टूरिस्ट है हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से ये फोटोग्राफ करवा के जाते हैं। हमारे पास ओपन है, कोई छत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमने अपना ट्रंक लगाया है, रोड पे काम करते हैं हम लोग। आज का ज़माना है, इसमें डिजिटल कैमरे आ चुके हैं, हमारा काम बहुत कम हो चुका है, क्योंकि इसमें कस्टमर की अगर हम 20 क्लिक कर देते हैं तो उसमें से सिर्फ कस्टमर 2 फोटो ही सिलेक्ट करवाता। क्यों? क्योंकि उसके पास भी अपना कैमरा है डिजिटल, वो सिर्फ हमारी कस्ट्यूम का जो फोटोग्राफर है वो 2 ही सिलेक्ट होगी उसमें से। इसमें हमारे काम को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है इससे, डिजिटल से। ये जो हमारा सीज़न है जून जो है, जून जुलाई जो है यही सीज़न चलता है हमारा, और बर्फ़ का होता है विंटर का। जब बर्फ़ पड़ी, अगर बर्फ़ पड़ी तभी आएगा टूरिस्ट, तभी हमारे से फ़ोटो खिंचाएगा, लेकिन अदरवाइज नहीं। और इसके बाद जून के बाद जुलाई आ जाता है, अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर तक, तो हमारा जो है काम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अभी 3 महीने बारिश के हो गए, बारिश में कोई काम नहीं हो पाता। मैं हरी सिंह और मैं पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। 91-92 से मैं यहाँ रिज पर कार्य कर रहा हूँ, और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं हम उन सब की फ़ोटो खींचते हैं। यहाँ के कल्चर जो है, यहाँ की ड्रेसेस वगैरह हमने बनाई होती है जिसको हम पहनाकर टूरिस्टों की फ़ोटो खींचते हैं, और जितने भी यहाँ के साइड सीन्स हैं हर एक व्यूज़ में यहाँ के अलग अलग डायरेक्शन में हम जो यहाँ के फोटो, यहाँ के बैकग्राउंड्स को कवर करके टूरिस्टों को हर एक जगह के लिए यहाँ के बैकग्राउंड्स जो है तो तैयार करके देते रहते हैं। यहाँ की जो ड्रेसेस है उसको बच्चों से लेकर बड़ों तक हमने यहाँ की ड्रेसेस बनाई होती है, जिसको हम जो है तो बच्चों को और टूरिस्टों को बनाते रहते हैं। जब से डिजिटल काम हो गया है तो हमारे काम में थोड़ा सा काफ़ी इसमें जो है तो अंतर आ गया है। पहले मैनुअल काम होता था, तो लोग जो है तो फ़ोटो खिंचाते थे और उन बिना से जो है तो बिना देखे हुए फ़ोटो बनती थी, नेगेटिव का काम होता था। अब डिजिटल का काम है तो थोड़ा सा उसमें जो है तो लोगों को देख करके फ़ोटो खिंचवाते हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में आने वाले पर्यटकों के लिए रिज मैदान एक आकर्षण का केंद्र होने के साथ साथ आपको बहुत कुछ अपने साथ यादों के तौर पर ले जाने को मजबूर करता है। तो जब भी आए रिज मैदान का रुख जरूर करें।